फेस्टिवल का सीजन आने वाला है तो रेडी हो जाते हैं बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग के लिए, वो भी बहुत सारे डिस्काउंट के साथ। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मेरे पास है NYBay के ये लिप क्रेयॉन्स जो कि मुझे भेजे हैं purple.com ने। NYBay के ये लिप क्रेयॉन्स जो हैं वो purple.com पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं सिर्फ 149 रुपीज पर, और अभी 20% का ऑफ आपको मिल जाएगा जो कि आपको पड़ेगा 119 रुपीज में। अगर आप लोग मेरा डिस्काउंट कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये क्रेयॉन्स पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 108 रुपए में, जो कि काफी अफोर्डेबल है। लेकिन इसकी प्राइस के हिसाब से ये कितना वर्थ है, 108 रुपए के हिसाब से वर्थ है या नहीं, आपको ये खरीदने चाहिए या नहीं, इसका फुल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बहुत शॉर्ट सा रिव्यू मैं बनाऊंगी इसका कि कैसे है ये लिप क्रेयॉन्स, कितने लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है या नहीं, और एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगी इसके लिप स्वैचेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जो मेरा लास्ट वीडियो था एम्स्टरडम लिपस्टिक का रिव्यू, उसमें भी मैंने आपको डिस्काउंट कोड आपके साथ शेयर किया था, मेरा 10% का डिस्काउंट कोड। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे कंफ्यूज हो गए थे कि सिर्फ पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप purple.com से कुछ भी शॉप कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप purple.com का शॉप करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट उस पर अवेलेबल रहेगा ही। ये जो आज मैं आपको डिस्काउंट कोड बताऊंगी, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे अवेलेबल, आपको इसी प्रोडक्ट पे मिलेगा पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है। आपको सारे प्रोडक्ट्स पे उसका डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे आप, सारे प्रोडक्ट पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज उस डिस्काउंट कोड को यूज कीजिए अगर आपको कुछ खरीदना है वहां से, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करेगा, सबके लिए अवेलेबल है ये डिस्काउंट। इसकी पैकिंग की बात करें तो ये एक ट्रांसपेरेंट लेमिनेट होके पैक होके आया था, इसका कोई ऐसा एसएच बॉक्स नहीं है। और यहाँ पे इसका नाम मेंशन है NYBay मेट्स मैट लिप क्रेयॉन, और इसके पीछे यहाँ पे सारे शेड का नंबर मेंशन है, प्लस इनके नाम मेंशन है। 2.8 ग्राम की क्वांटिटी है इसकी। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। कैप जो है इसका काफी टाइट है, ये ट्रेवल फ्रेंडली है, आप इसको अपने बैग में आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके खुलने की, ये बहुत टाइट है। देखिए अब देख लेते हैं इसका पिगमेंटेशन वन स्ट्रोक है या नहीं। पिगमेंटेशन तो अच्छा है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके सारे शेड्स वन स्ट्रोक एप्लीकेशन वाले शेड नहीं है। आपको एटलीस्ट अपने लिप्स पर 2 to 3 बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद एक्चुअल कलर आता है इन क्रेयॉन्स का। लेकिन ये जो पर्टिकुलर शेड है, ये मेरा फेवरेट शेड है, शेड नंबर 6, नाम है प्ले ऑफ चैंपियन। ये आपको वन स्वैप या टू स्वैप में बहुत अच्छा कलर देगा आपके लिप्स पर। ये सारे के सारे क्रेयॉन्स क्रीमी फॉर्म में है, मैट फिनिश देंगे प्लस आपको ये क्रीमी फॉर्म में मिलेंगे, तो आपके लिप्स पे बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। ड्राई लिप्स वालों के लिए तो बेस्ट क्रेयॉन्स है ये। जो लैक्मे के लिप क्रेयॉन्स आते हैं उनसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा, वो फिर भी थोड़ा लिप को ड्राई करता है, लेकिन ये काफी क्रीमी है, ये बिल्कुल आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेगा। अगर बात करें इसकी लास्टिंग की तो ये आराम से आपके लिप्स पे 2 to 3 आवर्स तक रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा फेड होना स्टार्ट हो जाएगा ये, लेकिन एकदम से नहीं निकलेगा। लास्टिंग इसके प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी लगी मुझे, लेकिन ये ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं है। देखिए जैसे कि क्रीमी फॉर्म में है तो ये ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं है, आपके लिप्स से ट्रांसफर होंगे, तो थोड़ा सा अगर आप इसको पाउडर से सेट कर लेंगे तो आपके लिप्स पे आराम से ये 3 to 4 आवर्स तक रहेगा। सबसे अच्छी बात लिप क्रेयॉन्स की ये होती है कि आप इनको एज अ लिपस्टिक तो यूज कर ही सकते हैं, प्लस आप इसको एज अ लिप लाइनर भी यूज कर सकते हैं। तो इसी क्रेयॉन से पहले आप अपने लिप लाइनिंग कीजिए एंड फिर इसी को लिपस्टिक की तरह फिल कर लीजिए, तो ये 2-in-1 होता है, दो चीजों का काम करता है आपके लिप्स पे। अब मैं आपको इस लिप क्रेयॉन को शार्प करके दिखाऊंगी। ये मेरे पास है लैक्मे का शार्पनर, देखते हैं कि कितने इजीली ये शार्प होता है या शार्प होता भी है इजीली या नहीं। एक्चुअली मैंने भी अभी ये करके नहीं देखा है, तो मैं आपके सामने ही करके दिखाऊंगी आपको कि क्या है इसका रिजल्ट। और ये टेस्ट जो है ये आपको शायद ही कोई यूट्यूबर दिखाएगा या आपको शायद ही किसी रिव्यू में देखने को मिलेगा ये टेस्ट।